जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाँ भाई कौन? भाई आप कॉल किए मेरे पास, मिस कॉल भी। हाँ आपका फोन आया था सुबह या रात को, तो अभी मैंने देखा तो मैंने कहा पता नहीं किसने। ना उससे पहले तो आपको आया था, तो मैं सोचा भाई मेरा वक्त नहीं मिल रहा था, तो कल मैं रात में आया तो आपका गेस्ट जा रहा था, नहीं दिखाए। हाँ मैं कल किसी से बात कर रहा था तो आपकी वेटिंग आ रही थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना हो गया? हाँ खाना खा लिया। और सब खबर सुनाइए। थोड़ा भाई अपना नाम बता देंगे तो आपका नंबर सेव कर लेंगे इस बार। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन। अच्छा अली हसन भाई, सब खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस रखा है। बिल्कुल ओके भाई, आप भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए। भाई हम लोग गुनहगार आदमी है भाई, हम भी गुनहगार इंसान हैं। दुआ की जरूरत है भाई की। बेशक भाई, अस्तगफार पढ़ते रहिए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए इंशाल्लाह। बताइए भाई, कोई खास काम के लिए आप कल फोन कर रहे थे? ना इसी तरह कुछ बात कभी कदा पूछना रहता है, तो जिसे मैंने कॉल कर लेता है। एक सदाम करके लड़का है, सूरत में रहता है, हाँ बोलते जाइए आप आराम से। वो मेरा ही गांव का है, वो तो वही नंबर दिया था कि कोई अगर बात होगा तो अप्पू खान जी से बात कर भी सकते हैं आप। अच्छा कौन से गांव में रहते हैं आप? हम लोग पठार गांव है, एक ग्रामीण झोसी बिहार में। अच्छा बिहार में। अच्छा अच्छा जी बताइए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि इधर में तो अहले हदीस का तो बहुत मस्जिद कमे है, कम का माने समझिए कि 5% है चाहे नहीं भी है उसमें। तो कहने का मतलब है कि अगर हम जमात से जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है तो हाँ बोलते जाइए आराम से। आप बोलते जाइए आराम से, हम सुन रहे हैं। उसमें हमारा मान लीजिए कि मैं एक रेखा छूट गया या दो रेखा दिया, तीन रेखा छूट गया, तो इसमें भरपाई करने के लिए क्या तरकीब है अभी हवाले से? अच्छा भाई देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने कहा कि आपके गांव में अहले हदीस की जो मस्जिदें हैं वो बहुत कम हैं और ना के बराबर हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो जो भी मस्जिदें हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह का घर है और वो अहले सुन्नत अहले हदीस की ही मस्जिद है। लेकिन अब इसको मेरे भाई जो हनफी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप समझ रहे हैं, अल्लाह का घर है तो उसमें भाई जो तालीम होगी भाई वो अल्लाह की होगी, अल्लाह के नबी की होगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक भाई वो अपनी मस्जिद है। लेकिन कुछ जाहिलों ने उस मस्जिद को कब्जा कर लिया और कह दिया नहीं ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी देवबंदी की मस्जिद है, ये हमारे बरेलवी की मस्जिद है, वो मतलब आप ना आइए मस्जिद में, रफादैन करने वाले ना है, आप जोर से बोलने ना है, सीने हाथ बांधने वाले मस्जिद में ना है, वहाबी मस्जिद में ना है, 24 नंबर ना है। तो इस तरीके से उन्होंने मस्जिदों को कब्जा कर लिया। तो तमाम मस्जिदें भाई अपनी हैं और हम जहाँ चाहें वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इमाम है, इमाम का अकीदा अगर मेरे भाई एकदम क्या बताएं दो कौड़ी का है, घटिया है भाई, वो तावीज गंडे करता है, दुआ तावीज करता है, शिर्क करता है, बिदात करता है, ऐसे इमाम अगर हमको मालूम है कि हाँ ये यार ये ऐसा ही करता है गुमराही पे, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने से परहेज कीजिए, उससे बचिए। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि मानिए कोई इंसान है, अब भाई वो नमाज पढ़ने जा रहा है, अब उसको रास्ते में भाई वो लेट हो गया, जाम में फंस गया या कोई परेशानी हो गई, या उसको मस्जिद में आने में भाई वो लेट हो गया, तब तक नमाज स्टार्ट हो गई थी, अब अगर वो उसकी एक रकात छूट जाए, दो छूट जाए या तीन छूट जाए, तो जब हम शामिल होंगे नमाज में तो आखिर हम करेंगे क्या? तो बेसिक सवाल आपका ये है, ठीक है, जहां तक हमको समझ में आया, ठीक समझा ना मैं? हाँ तो देखिए
एक्चुअल में होता क्या है, जो हनफी लोग हैं ठीक है, चाहे वो देवबंदी हो बरेलवी हो, उनके वहां नमाज उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी। उल्टी बोले तो क्या, इमाम साहब पहली रकात में हैं और इमाम साहब की पहली जो भाई थी वो कंप्लीट हो गई, और पीछे से कोई हनफी भाई आता है वो उनके पीछे नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो इमाम की दूसरी होती है वो इमाम के पीछे वाले पढ़ने की भी दूसरी होती है, इमाम की जो तीसरी होती है वो पीछे पढ़ने वालों की भी तीसरी होती है, और इमाम की जो चौथी होती है वो पीछे पढ़ने वालों की भी चौथी होती है, और जब इमाम साहब भाई वो सलाम फेर देते हैं तो फिर वो जो पीछे वाला होता है वो खड़ा होता है और अपनी पहली रकात पढ़ता है छूटी हुई, आप समझे। जबकि जो ये तरीका है भाई, ये किताबो सुन्नत से ये भाई ये साबित ही नहीं है, क्योंकि ये उल्टी नमाज है कि पहले भाई वो अल्लाह अकबर कह रहा है तो सीधे वो दूसरी रकात पढ़ रहा है, फिर तीसरी पढ़ रहा है, फिर चौथी पढ़ रहा है, उसके बाद पहली पढ़ रहा है, तो ये तो उल्टी नमाज हो गई ना। एक्चुअल क्या है, जो अल्हम्दुलिल्लाह साबित बात है वो ये है कि इमाम साहब एक रकात पढ़ चुके हैं और हम पीछे से भाई हम शामिल हुए, तो जो इमाम साहब की दूसरी है वो हमारी पहली होगी। क्यों? क्योंकि हमने तकबीरे तहरीमा कह के अल्लाह अकबर कह के जब हम नमाज में शामिल हुए तो हम पहली मतलब जो पहली रकात है हम उससे स्टार्टिंग करेंगे ना, या हम पहली छोड़ के दूसरी से स्टार्टिंग करेंगे। हम देखिए, नमाज जो अमल है जो हदीस से साबित है वो स्टेप बाय स्टेप है, तरतीब के साथ, आप समझ रहे हैं। ये उल्टी सीधी नमाज पढ़ना तो साबित ही नहीं है, तरतीब एक होती है। अगर इंसान भाई मान लीजिए भाई वो चार रकात की पढ़ रहा है, मान लीजिए असर की नमाज है, जोहर की नमाज है, तो वो पहले पहली रकात पढ़ेगा, उसके बाद दूसरी पढ़ेगा, उसके बाद तीसरी पढ़ेगा, उसके बाद चौथी पढ़ेगा, तो ये नमाज हो गई सीधी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हनफी लोग क्या करते हैं, अगर इमाम साहब अगर मतलब भाई वो दूसरी पढ़ रहे हैं तो वो भी पीछे से आएगा, अल्लाह अल्लाह अकबर कह के शामिल होगा, तो वो भी उसकी भी दूसरी रहेगी, मानिए उसकी तीन रकात छूट गई। आप सोचिए, इमाम साहब चौथी मतलब तीसरी कंप्लीट हो चुकी है और इमाम साहब चौथी में, और पीछे से कोई हनफी मुकल्लिद आता है अपने इमाम के पीछे बांधता है नियत, तो जो इमाम साहब की चौथी होती है वो उसकी भी चौथी होती है, फिर इमाम साहब सलाम भाई जब फेर देते हैं तो फिर वो अपनी तीसरी पढ़ता है, फिर दूसरी पढ़ता है, फिर पहली पढ़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हनफी भाई लोग हैं उनको अपनी इसलाह करनी चाहिए, ये वो नमाज उल्टी पढ़ रहे हैं कि पहले चौथी पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद पहली पढ़ रहे हैं। भैया ये कौन सा नियम है, कहाँ से लेके आए, कौन सी फिका से लेके आए, कौन सी मेरे भैया कुरान और हदीस का भाई ये जूस है, इज्तिहाद है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हमें भाई ऐसा करना चाहिए, इमाम साहब मान लीजिए एक रकात वो पढ़ा चुके हैं, पीछे से हम आए, इमाम साहब अगर भाई दूसरी पढ़ा रहे हैं और हम पीछे से आके दूसरी में शामिल हुए नियत बांध के, तो वो इमाम साहब की दूसरी है वो हमारी पहली है, इमाम साहब की जो तीसरी है वो हमारी दूसरी है, इमाम साहब की जो चौथी है वो हमारी तीसरी है, इमाम साहब जब दाएं बाएं जानी भाई अपना फेर लेंगे सलाम, तो हम अपना भाई हम खड़े होके अपनी चौथी रकात पढ़ के भाई हम अपना सलाम फेर देंगे। इससे क्या होगा, इमाम साहब भी भाई स्टेप बाई स्टेप तरतीब के साथ हैं, और जो उनके पीछे पढ़ने वाले जिनको देर हो गई है भाई वो देर में शामिल हुए हैं, उनके भी स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी तरतीब के साथ। तो नमाज जो है वो भाई वो स्टेप बाय स्टेप है, बात समझ में आई। इमाम साहब मानिए भाई हमको आने में देर हो गई, वजू बनाने में देर हो गई और हमारी भाई तीन रकात छूट गई, ठीक, और हम इमाम साहब भाई वो चौथी रकात में है और हम शामिल हुए इमाम के पीछे, और हमने अल्लाह अकबर कह के इमाम के पीछे हम भाई हम खड़े हो गए, तो इमाम साहब की तो वो चौथी है आखिरी रकात है, लेकिन हमारे लिए वो पहली है। जब इमाम साहब दाएं बाएं जानिब सलाम फेर देंगे तो हम अपनी दूसरी पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे, चौथी पढ़ के हम अपना सलाम पढ़ लेंगे, आप समझ रहे। तो ये मामला है, और
उल्टी नमाज पढ़ना तो मेरे भाई कुरान हदीस और अमले सहाबा ये कभी साबित ही नहीं है। और अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि ऐ सहाबा अगर मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ तुमको आने में देर हो जाए तो तुम अगर मेरी दूसरी है तो तुम भी उसको मतलब भाई दूसरी मानना, और अगर मेरी तीसरी है तो तुम भी तीसरी मानना, उल्टी नमाज पढ़ना नहीं। आप अपनी भाई इमाम के पीछे हैं, इमाम जो आपके पढ़ रहा है इमाम की इत्तबा करना हमारा काम है, लेकिन जो रकात की तादाद है वो तो हमारी अपनी भाई वो काउंट होंगी। अगर हमें आने में देर हो गई है तो इसमें फॉल्ट हमारी है ना, गलती हमारी है ना, तो उसमें हम उल्टी नमाज काहे के लिए पढ़े? उल्टी नमाज पढ़ के क्या अपनी नमाज भाई हम खराब कर दें? भाई नंबर से काम होता है ना, पहले एक आता है फिर दो आता है फिर तीन आता है फिर चार आता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि पहले चार आता है उसके बाद तीन आता है उसके बाद दो आता है उसके बाद एक आता है, ये तो उल्टी गिनती हो गई ना। तो ये लोग जो अमल करते हैं इससे इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, इसीलिए सारे काम इनके उल्टे होते हैं। और इनके मेरे भाई हनफी फिका में और मेरे भाई मतलब ये जो इनकी बहिश्ती जेवर है अशरफ अली थानवी साहब की, उसमें हर काम उल्टे लिखे हुए हैं। हनफी फिका और बहिश्ती जेवर, इनमें हर काम उल्टे उतरे हुए हैं कि अगर कोई शख्स उल्टा मतलब जो उल्टा वजू होता है उल्टा वजू कर ले तो भी मतलब भाई वो ठीक है दुरुस्त है। यानी कि अगर कोई आए पहले अपने भाई पैर को धो ले ठीक, उसके बाद चेहरे को धो ले, उसके बाद कोहनी धो ले, उसके बाद नाक में पानी डाले और एकदम आखिर में भाई वो कुल्ली कर ले, यानी कि उल्टा सीधा वजू भी कर रहा है तो उसका वजू हो जाएगा। जबकि वजू उस तरतीब से हमको करना है जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने किया। सबसे पहले अपने हाथों को धोएंगे गट्टों से, उसके बाद कुल्ली करेंगे, उसके बाद नाक में पानी डालेंगे, तो हर चीज भाई स्टेप बाय स्टेप है ना। अब ये थोड़ी ना मैं मस्जिद आया और जो मतलब अगर हमारा मूड हुआ तो पहले हमने मसा कर लिया, उसके बाद हमने कुल्ली कर ली, उसके बाद अपने पैर धो लिए, उसके बाद अपना हाथ धो लिया। यार ये दीन है, कोई मजाक थोड़ी ना है। इसी तरीके से हनफी जो फिका है उसके हिसाब से उल्टी नमाज पढ़ना भी जायज है। आप समझ रहे हैं कि आदमी पहले मतलब भाई सजदा कर ले, बाद में मतलब भाई वो कयाम कर ले, उसके बाद रुकू कर ले, उसके बाद सलाम फेर दे, उसके बाद कायदे में बैठ जाए। उल्टी सीधी बेतरतीब नमाज और वजू सब कुछ जायज है, लेकिन मेरे भैया अहले सुन्नत अहले हदीस के वहां भाई वो सीधा दीन है, सीधा रास्ता है, तो हमारी नमाज भी सीधी है, उसकी जो मेरे भाई जो रकात है वो भी सीधी है, वजू भी हमारा सीधा है, तो हम भैया सीधे साधे आदमी है, हमें सीधा आसान दीन पसंद है, तो जो नमाज है वो तरतीब के साथ होगी। आपकी अगर दो रकात छूट गई है आप तीसरी रकात में शामिल हुए हैं तो इमाम की वो तीसरी है आपकी पहली है, इमाम की जो चौथी है वो आपकी दूसरी है। इमाम साहब ने चार रकात पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, उसके बाद आप अपना खड़े होंगे बिना सलाम फेरे, आप अपनी तीसरी पढ़ेंगे फिर अपनी चौथी पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना सलाम फेर देंगे, ये तरीका होता है। इनका तरीका तो कहीं से साबित ही नहीं है। ये लोग में है जैसे कि अवल एक रकात छूट गया या तीन रकात, तो सिर से नियत करके और तकबीर से अरिना करके नहीं पढ़ना है। हाँ भाई क्या चीज? जैसे जिस वक्त का नमाज है नियत कर ली है, जोहर का है तो जोहर का नियत कर लिए, नियत करके बाद तकबीर से अरिना अल्लाह अकबर करके नियत मान ली, ठीक है, और कुछ पढ़ना नहीं है। जब इमाम सलाम फेर गई है तो सिर्फ खड़ा होना है, है उसके बाद चाना पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह सही पढ़ना है, और कोई जैसे मैंने एक रकात छूटा है तो उसमें खाली पढ़ना है, जिसे मैंने दो तीन रकात छूटा है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भरपाई करना है या एक सूरह पढ़कर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग उल्टी नमाज पढ़ते हैं। भाई इमाम साहब अगर मानिए दूसरी भाई वो दूसरी में है, इमाम साहब अपनी दूसरी पढ़ रहे हैं रकात, हमको आने में देर हो गई, अब हम इमाम के पीछे शामिल हो गए नियत बांध के, तो इमाम साहब की भाई वो दूसरी है और हमारी पहली है, तो इंसान पहली भाई जब रकात पढ़ता है तो उसमें भाई वो साफ साफ पढ़ता है ना कि हाँ सना पढ़ता है, औज़ु बिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, तो जो इंसान अपनी पहली रकात जैसे पढ़ता है वैसे तो पढ़ेगा। वो इमाम साहब दूसरी में है क्योंकि वो इमाम साहब की दूसरी है,
आप समझ रहे हैं, इमाम साहब जो पढ़ा रहे हैं उनकी, उन्होंने तो अपनी पहली रकात पढ़ ली, अब भाई वो दूसरी में, तो वो अपनी दूसरी पढ़ रहे हैं रकात, लेकिन हमको आने में देरी हो गई और हम उनके साथ पीछे शामिल हुए हैं, तो हमारी तो वो पहली है, इमाम की दूसरी है, भाई वो अपना दूसरा समझ के पढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए तो पहली है, हम उसको पहली समझ के पढ़ेंगे, उसमें हम सना भी पढ़ेंगे, औजुबिल्ला भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्ला भी पढ़ेंगे। अच्छा भाई जरा हमारे अब्बा की वेटिंग आ रही है, आप आपसे इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। जी जी इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करते हैं, थोड़ा अब्बा की हमारी वेटिंग आ रही है, जरा देख लें क्या वो कह रहे हैं। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।